ट्रेसिंग सबसे आ जाएगी, हाथ yes, उठा के बताइए जरा yes, ट्रेसिंग सबसे आ जाएगी yes, चलिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास में कोई मोबाइल फोन आया स्पीकर की लाइन बिना सर्किट डायग्राम के ट्रेस कर लेंगे yes, क्या आप? अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक और चीज, अगर आपके पास कोई भी फोन आया बैटरी कनेक्टर पूरा उखड़ा हुआ है तो बना लेंगे अपन yes, आईसी से अपन को आईसी पावर आईसी के बगल से चालू कर सकते हैं ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बीएसआई बैटरी एरर हो या बैटरी लो टेम्परेचर हो उसको बना सकते हैं अपन चार दिन में? सच बताओ आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैंने आपसे पैसे तो नहीं लिए। तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी मोबाइल फोन में मुझे बैटरी कनेक्टर बनाना हो तो किस तरह से ढूंढे? जीजा साले को ढूंढना पड़ेगा। जीजा साले ढूंढेंगे? क्या ढूंढेंगे अपन? जीजा साले जिनकी जीवन में जरूरत है और नहीं भी है। सो और अगर बीएसआई और बी टाइप में कंफ्यूजन होता है लोगों तो वो क्लियर हो गया आपका? बिल्कुल क्लियर हो गया। उसमें सीरीज में क्या लगा होता है, पैलर में क्या लगा होता है, वो क्लियर हो गया बिल्कुल। यहाँ पर अपने एक फॉल्ट भी निकाला था ना बीएसआई से रिलेटेड और आप ही ने निकाला था यहाँ पर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको यहाँ पर? अच्छा लगा सर, मेरे को जितना नहीं आता था आज वो उससे ज्यादा बहुत नॉलेज मिल गई, बहुत नॉलेज मिली है। ठीक है सर, आके मेरे को सब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है सर 10 साल के एक्सपीरियंस लेके आया वैसे लग रहा है। अभी हमें भी लगता है, इनको देख के लगता है कि फ्रेशर है। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी टेलीकॉम आपका चैनल। मेरे साथ हैं स्टूडेंट, कौन सा बैच? 28 मई का बैच है, अलग अलग जगह से आया जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ हमें कितने दिन हो गए एग्जैक्टली? कितने दिन हो गए आज? आज 14 दिन है ना। आज जो हम बात कर रहे हैं कॉम्पोनेंट की सर, रजिस्टर कैपेसिटर डायोड का ट्रांजिस्टर और कितने भी प्रकार के रजिस्टर हो, कितने प्रकार के कैपेसिटर हो, यहाँ पे बात करें ट्रेसिंग सबसे आ जाएगी, हाथ उठा के बताइए जरा ट्रेसिंग सबसे आ जाएगी। चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास में कोई मोबाइल फोन आया स्पीकर की लाइन बिना सर्किट डायग्राम के ट्रेस कर लेंगे, क्या आपको सर्किट डायग्राम की जरूरत है क्या? अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक और चीज, अगर आपके पास कोई भी फोन आया बैटरी कनेक्टर पूरा उखड़ा हुआ है तो बना लेंगे अपन आईसी से, अपन को आईसी पावर आईसी के बगल से चालू कर सकते हैं ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बीएसआई बैटरी एरर हो या बैटरी लो टेम्परेचर हो उसको बना सकते हैं अपन चार दिन में? सच बताओ आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैंने आपसे पैसे तो नहीं लिए। ऐसे आप यहाँ पे, आपका नाम क्या है? चेतन। आप कहाँ से आए? चेतन यहाँ पे जितने भी लोग कह रहे हैं ये वाकई में सब कह रहे हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ाता हूँ या प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ? दोनों कराता हूँ। दिमाग में घुसते हैं कि नहीं घुसते हैं? तो चलिए चेतन से शुरुआत करते हैं। चेतन आप बताइए रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? सर 7 प्रकार। कौन कौन से बोलिए? नॉर्मल रजिस्टर, ड्यूल रजिस्टर, पैकेज रजिस्टर, कोड रजिस्टर, फ्यूल रजिस्टर, वीडीआर और थर्मिस्टर। अच्छा चेतन मुझे बता दो कि थर्मिस्टर रजिस्टर कहाँ कहाँ लगा हो सकता है? सर थर्मिस्टर लगा हो सकता है तो ये थर्मिस्टर। अच्छा मुझे बता दो कि किस रजिस्टर में जंपर नहीं मार सकते, किन में मार सकते हैं? सर थर्मिस्टर पे नहीं मार सकते। हाँ ठीक है, और वीडीआर पे भी नहीं मार सकते। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आप बताइए ये जो वीडीआर है इस पे क्यों नहीं मार सकते हैं रजिस्टर? ये पैलर में लगा, ये पैलर होता है। अच्छा मैं आप सबसे पूछता हूँ पैलर और सीरीज बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बहुत बड़े मसले होते हैं कि सर कॉम्पोनेंट पे अगर ट्रेसिंग आनी तो आपको कॉम्पोनेंट का पूरी सप्लाई पता होनी चाहिए। अच्छा आप सभी लोग ने यहाँ पे ट्रेसिंग भी की थी ना? यस सर। खुद बनाई थी आपने यहाँ पर? तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने बताया सही बताया वीडीआर में जंपर नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो पैरेलल लगा होता है। अच्छा मुझे बताइए कि कोड रजिस्टर में मार सकते हैं क्या? कोड में नहीं, कोड में नहीं मार सकते। किन रजिस्टर में जंपर मार सकते हैं? किन रजिस्टर में जंपर मार सकते हैं? नॉर्मल में और ड्यूल में, ड्यूल में उसमें भी किन रजिस्टर में, नॉर्मल में भी किन रजिस्टर में? जो सीरीज में लगा होगा। तो किसी भी कंपोनेंट को सीरीज हो या पैरेलल हो अपन समझ लेंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो कैसा लगा यहाँ पे आपको फर्क? मतलब जो सोच के आया था वो मिला कि नहीं मिला? उससे ज्यादा मिला है यहाँ पे। और क्या आउटपुट मिला? राज्य सरकार का आउटपुट मिला यहाँ पर जो रात में आते हैं? सर वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। कितने बजे आते हैं? सर आपको 8 बजे आ जाते हैं और 12-1 भी बज जाता है। चलिए थैंक यू वेरी मच है, इनके ताली बजा दीजिए। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? कमलजीत जी। कमलजीत ये बताओ कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? कैपेसिटर 2 प्रकार। कौन कौन से? एनपीसी और पीसी। पीसी अगर मुझे बताओ कैपेसिटर कहाँ के नहीं निकालने चाहिए?
डायोड के पास है और बूस्ट कॉइल के पास है। ये गलत हो गया है कि अपन यहाँ के वहां के सेक्शन से बेसिकली देखा जाए तो इन दो कंपोनेंट के पास से नहीं निकलने चाहिए और यही दो कंपोनेंट लाइट सेक्शन और पावर सेक्शन में लगे होते हैं। अच्छा बताओ किसी कैपेसिटर में क्या क्या फॉल्ट आ सकता है? कैपेसिटर में एक तो लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है और एक शॉर्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं बताऊं कि लीकेज कैसे फाइंड आउट करोगे, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आप बताइए कैपेसिटर लीकेज बन जाएगा कि नहीं फाइंड आउट करते हुए। यहाँ पर अगर मुझे बताइए कि कैपेसिटर दो कौन के प्रकार बताए थे आपने? पीसी और एनपीसी। चलिए ठीक है, आप इन्होंने कैपेसिटर, अगर एक कैपेसिटर, अगर मैं स्पीकर सेक्शन को टेस्ट करता हूँ, आपने भी टेस्ट किया होगा, उधर आपको कितने कैपेसिटर मिल सकते हैं? कैपेसिटर वहाँ तीन प्रकार के मिल सकते हैं। और अगर कैपेसिटर पैलर भी मिल सकता है, अगर ये बताओ क्या सीरीज में कैपेसिटर मिलता है? क्या सीरीज में नहीं नहीं मिलता, पैलर भी मिलता है ना सर। तो तीसरा कैपेसिटर वो होता है, वो तो दोनों से रीडिंग देता है, तो फिर किस तरह से पैलर हो रहा है? वो दो पॉजिटिव लाइनों के बीच, दो पॉजिटिव लाइन के बीच में लगा होता है, उसको निकाल देने से भी कोई मसला नहीं होता है, पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है? शॉर्ट, मतलब कि वहाँ पर शॉर्टिंग हो जाती है। शॉर्टिंग हो जाती है। वेरी गुड, आपका नाम जैसे आपने बताया, आपको कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा जी मेरे को, और बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजाइए। तो यहाँ पर मैं आपको उठाना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमेंद्र प्रजापति है, मैं गुना से आया हूँ, गुना एमपी से। तो मुझे ये बताइए कि डायोड कितने प्रकार के होते हैं? डायोड अपने तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल डायोड, जेनर डायोड और एलईडी डायोड। नॉर्मल डायोड, जेनर डायोड और एलईडी डायोड। अच्छा मुझे बताओ कि डायोड में क्या क्या फॉल्ट आ सकता है? डायोड में ओपन हो सकता है, लीकेज हो सकता है और शॉर्ट भी। अच्छा ये सारे डायोड में जैसे आपने देखा, आपने ये चेक भी किए यहाँ पर? चेक किए ना, प्रैक्टिकली चेक किए ना यहाँ पर, अगर आप किसी भी स्पीकर सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा मुझे आप बताइए कि अगर मेरे पास में एक मोबाइल फोन आया, बैटरी कटर पूरा खर्च आया तो बना सकते हैं? तो उसको कैसे बना सकते? सो मुझे ये बताइए कि अगर किसी मोबाइल फोन में मुझे बैटरी कटर बनाना हो तो किस तरह से धुरे? जीजा साले को ढूंढना पड़ेगा। जीजा साले ढूंढेंगे? बिल्कुल। क्या ढूंढेंगे अपन? जीजा साले जिनकी जीवन में जरूरत है और नहीं भी है। सो और अगर बीएसआई और बी टाइप में कंफ्यूजन होता है लोगों, तो वो क्लियर हो गया आपका? बिल्कुल क्लियर हो गया। उसमें सीरीज में क्या लगा होता है, पैलर में क्या लगा होता है, वो क्लियर हो गया बिल्कुल। यहाँ पर अपने एक फॉल्ट भी निकाला था ना बीएसआई से रिलेटेड, और आप ही ने निकाला था यहाँ पर? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको यहाँ पर? अच्छा लगा सर, मेरे को जितना नहीं आता था आज वो उससे ज्यादा बहुत नॉलेज मिल गई, बहुत नॉलेज मिली है। आईफोन को बात करें, 4S हो गया, 5 हो गया, 6 या 7, उसका बैटरी कनेक्टर और खर्चा भी है बीएसआई के साथ, तो उसको बना लेंगे? पीवी नहीं हुआ बिना पीवी के? बिना पीवी के? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजा दो। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? सत्यव्रत बारी। और मैं इनके साथ बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये आज भी बिल्कुल फ्रेशर है और ये बिल्कुल सीखने आए हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखने की कोई भी एज नहीं होती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 10 साल के नॉलेज है और आप सीखने नहीं आना चाहते, क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि लोगों को बेशर्मी सी लगती है या छोटापन लगता है कि 10 साल का नॉलेज ऑलरेडी काम कर रहा हूं तुक्काबाजी से, पर सच बताओ कि 10 साल का काम, यहाँ पे कितने लोग हैं जो बहुत सालों के काम कर रहे हैं यहाँ पर? जैसे एक आपको उठाता हूँ, कितने साल हो गए आपको? 7 साल हो गए। सच बताओ यहाँ आकर कैसा फील होता है? सर लग रहा है शून्य में खड़े थे। बिल्कुल। अच्छा 7 साल का जितने भी तुमने मोबाइल बनाए होंगे, अभी रिपीट दिमाग में चलता होगा ना कि उस स्तंभ में ये करता था? बिल्कुल चलता है सर, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल दिमाग में वही अपनी पुरानी बातें चलती होंगी। तो ये चीज आप जो पूरी करेंगे हम आगे जाकर, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अब आपको फ्रेशर से आपको 10 साल का नॉलेज वाला बनना है, जो बिल्कुल बन सकते हैं, पर सही नॉलेज के साथ। अगर सही नॉलेज मिलेगा तो हम 10 साल के नॉलेज को भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर मुझे लगता है तुम्हारा 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। अच्छा तो चलो आपसे पूछते भी है, आप ये बताइए कि यहाँ पर हम पूछेंगे आपसे कॉइल कितने प्रकार के होते हैं? कॉइल सर 4 प्रकार। कौन कौन से? नॉर्मल कॉइल, वेरी गुड, कपलर, वेरी गुड, और बूस्ट कॉइल, वेरी गुड। कॉइल 4 प्रकार के होते हैं, जब आपने पहली बार सुना था तो आप भी सोचते रह गए होंगे, जैसा कॉइल भी 4 प्रकार के होते हैं। किन कॉइलों को जंपर मार सकते हैं, किन को नहीं मार सकते? नॉर्मल कॉइल को सर जंपर मार, बिल्कुल सीरीज में रहता है, सीरीज में रहता है। अच्छा नॉर्मल कॉइल सीरीज में भी होता है और पैलर भी होता है ना? मैंने पैलर में भी देखा था ना, तो पैलर वाले कॉइल को जंपर मारना है क्या? सर नहीं मारना है पैलर वाले कॉइल को, वो ध्यान रखना, वो नेटवर्क सेक्शन में होता है, वहां पे हम जंपर कॉइल बिठाएंगे। दूसरा बताइए, ड्यूअल कॉइल में जंपर मार सकते हैं? ड्यूअल कर लो सर। अच्छा ड्यूअल कॉइल और कपलर कहाँ देखने को मिलेंगे? तो सर डिस्प्ले सेक्शन में मिलेंगे और कैमरा सेक्शन। अच्छा ला वो सीरीज में होंगे कि पैलर में होंगे? सीरीज सीरीज में ही होंगे।
किस में होंगे, सीरीज में होंगे कि पैरेलल में होंगे? सीरीज में होंगे। सीरीज में होंगे। अगर मैंने ये भी बताया ना उससे रिलेटेड कौन से फॉल्ट आते हैं, चले वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी। अब मैं आपसे आप बात करता हूँ, कॉल को कैसे चेक करोगे, क्या आनी चाहिए सर? कॉइल में सर बीप आनी चाहिए, उसका रीडिंग सर 0.5 से लेके 2.5। अच्छा, कॉइल शॉर्ट होता है सर? ऑलरेडी कॉइल क्या होता है शॉर्ट। बहुत से लोग बोलते हैं अरे भाई कॉइल शॉर्ट होगा, कॉइल तो शॉर्ट ही है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉइल शॉर्ट है, सो कॉइल क्या होता है, फॉल्ट क्या आता है फिर कॉइल शॉर्ट है तो? सर कॉइल सर ओपन हो सकता है और लीक हो सकता है। लीक हो सकता है, अगर ओपन तो हुआ तो बीप आया, लीकेज हुआ तो कैसे पता चलेगा सर? वो उल्टा सीधा रिजल्ट दिखाएगा, मतलब सर वो कितने से कितना रिजल्ट दिखाएगा? 0.5 से 2.5 के अंदर रहना चाहिए, उससे अलग। ये सही बोला इन्होंने? यस सर, ये सही बोला। आपको रजिस्टर हो गया, कॉइल हो गया, कैपेसिटर ट्रांजिस्टर सब चेक करना आता है आपको? अगर मैं कोई बोर्ड दूं स्पीकर की जगह ट्रेस करने के लिए, बन जाएगा ट्रेसिंग? बनेगी कि नहीं बनेगी ट्रेसिंग? हम ज्यादा आसान तेजी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? रीजन है यहाँ पर, है ना? ठीक है सर, आके मेरे को सब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है सर, 10 साल के एक्सपीरियंस लेके आया वैसे लग रहा है। अभी हमें भी लगता है, इनको देख के लगता है कि फ्रेशर है सर। फ्रेशर इतनी जल्दी सीख ही नहीं सकते है, पहली बात। सो आपने बहुत मेहनत की है ये मैं जानता हूँ, और एक चीज होती है इनपुट जो हमने दिया आपने आउटपुट भी निकाला है, सो वही लोग आ सकते हैं यहाँ पर। ऐसा सर बता दो यहाँ पर कौन लोग पढ़ सकते हैं, सच बताइए सर। जिनको अच्छा लगता है, जो एक इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है, हम कोई काम कर सकते हैं। कोई अगर हम कोई भी काम करते हैं हम इतना अच्छा कर सकते हैं, हम जितना अच्छा कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसलिए। और दूसरी बात मेहनती, यहाँ पर अगर जो लड़के सोने के लिए आए हैं तो वो तो बिल्कुल भूल ही जाए। आपको नींद खराब करनी पड़ेगी, आप कुछ पाओगे? मेरे को सुनने में आया था कि राजेश सर जब एक बार आते थे और जब दूसरी बार आते थे तो आधे लोग सो जाते थे, है ना? आधे लोग सो जाते थे, तो रात के दो एक दो और एक डेढ़ बज जाते थे। सो आप देखते हैं कि यहाँ पे बाकी स्टूडेंट भी हमारे रात के दो दो बजे तक काम करते रहते हैं यहाँ पर। सर राजेश सर ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी है, उनमें हमें काफी जो भी चीज डीप में डायरेक्ट हमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आया डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, तो उन्होंने ट्रिक के द्वारा सारी चीज एकदम क्लियर कट कर दी थी, शॉर्ट स्लो एकदम का आसानी से पता कर सकते क्या डायरेक्ट है, कॉइल कैसे काम करेगा, कैपेसिटर। सब लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम था कैपेसिटर का, उन्होंने इतना सिंपल कर दिया टंकी से नॉर्मल कैपेसिटर लगा के, एसएमडी को हम आसानी से पता कर सकते हैं कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, लीक होगा नहीं होगा, शॉर्ट होगा नहीं होगा, ओपन है जो भी है। तो ये हमारे राजेश सर है, राजेश सर आइए एक बार इनके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। राजेश सर बताओ इस बार का ये बैच आपके लिए कैसा रहा अनुभव? ये बैच हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग जो भी बता रहे हैं बहुत इतनी जल्दी कैप्चर कर रहे हैं, दो दिन हुआ और दो दिन के अंदर इन्होंने सर्किट डायग्राम खींच के दे, दो दिन के अंदर सर्किट डायग्राम। मैं कल आपसे ये बात कर रहा था बैठे बैठे यहाँ पर कि जिस तरह से एक एक बच्चा मेरे पास सर्किट डायग्राम लेकर आता था, तो मैं भी सोच सकता है मैं भी इतने टाइम पे ये नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पढ़ाने में तो और मजा आता है जब आपके स्टूडेंट जल्दी से कैप्चर कर ले। बिल्कुल, मतलब एक टीचर के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके स्टूडेंट बिल्कुल एक इंटरेस्ट के साथ हो। मुझे लगता है कि आप सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड है यहाँ पर। सो भाई आपका कैसा लगा यहाँ पढ़ाकर? सर बहुत अच्छा लगा, जाने का मन ही नहीं कर रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये जनरली यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच, जनरली यहाँ पर आप लोग आते हैं और सोचते हैं कि कब दिन खत्म हो और जाए, पर हमको लगता है क्लास में आने की इच्छा होती होगी, क्लास आने की इच्छा होती है कि क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर बहुत सारे है, आप सब लोग बताओ। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, वैसे भी ये वीडियो उन लोगों के लिए दोस्तों जो बुवा रिपेयरिंग सीख रहे हैं और जिनको अभी तक एक डेढ़ महीने में पता नहीं चल पाया है कि क्या कॉम्पोनेंट का नॉलेज, ट्रेसिंग का नॉलेज। आपने देखा तीन दिन में ट्रेसिंग भी, कॉम्पोनेंट का नॉलेज भी, आपने देखा कि बैटरी कनेक्शन, बैटरी सेक्शन को भी नुखड़ गया तो बना सकता है, बैटरी एरर कुछ एरर भी फॉल्ट निकाले, और ये मात्र हमने चार दिन में किया। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ने इतना अच्छा कैप्चर किया। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं पर जिनको पूरा नॉलेज नहीं है। अगर जिनको नॉलेज है तो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बाकी इस वीडियो में लाइक दे सकते हैं, सब्सक्राइब दे सकते हैं, बाकी इस वीडियो में लाइक कर सकते हैं और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के लिए रेडी हो सकते हैं। बिल्कुल, वीडियो आएगा तो मैं वीडियो देख सकते हैं, देख सकते हैं। और सच बताऊं कि यहां पर एशिया टेलीकॉम में आपको वो मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलता है, ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? yes, तो क्या कहते हो, क्या कहना चाहिए फिर यहाँ पर? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए, और बहुत बहुत प्यार है, और यही कोशिश करूंगा कि आगे भी जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो यही और इससे ज्यादा आवाज आनी चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक।
वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। तो ऐसा भी होता है सर, फेसबुक में कोई आता था जो सर्किट बनाना था, अच्छा मोबाइल बनाते थे जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैंने यहाँ से गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा रिव्यू देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में सीख लिया। चैनल फॉलो करने मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब ये भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि नहीं ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा चुना जाए, तो मैंने फिर नेपाल यहाँ पे आया, पिछले दिन जनता उनको चुना। तो आप सेटिस्फाइड सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा उसकी उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर दूँ तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और भेजो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल। हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सब मुझे बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 964-413-9972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 964-413-9972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.